हेलो एवरीवन, आई एम रुपेश एंड स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम आपको रूबरू करेंगे बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्र से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बिहार में बाढ़ आया हुआ है, वहाँ पे लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सो अपने तरफ से हमसे जो भी हेल्प हो सकता है वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और आप सभी से भी अनुरोध करते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है वो कीजिए, और वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहे, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। लेट्स गो। हम NH 28 पे है जो कि गोपालगंज से होकर गुजरती है, और जस्ट अभी हम लोगों ने गोपालगंज को क्रॉस किया है। गोपालगंज से आगे निकले हैं, और गोपालगंज से आगे कुछ दूरी पे गंडक नदी क्रॉस करती है, और गंडक नदी से जो लगने वाला इलाका है वहीं पे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है, और अक्सर वहाँ पर बाढ़ आता है। तो इस साल भी वहीं पर बाढ़ का ज़्यादा खतरा है, और ज़्यादा घर वहीं पर डूबे हुए हैं बाढ़ से। तो वहीं पे अभी हम जा रहे हैं। चलिए, जस्ट कुछ ही देर में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और वहाँ का भी क्या सिचुएशन है आप सबको दिखाएंगे। ऐसे ही वीडियो में आप सब बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, लोगों के घर डूब चुके हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन यहाँ सड़कों के बीचों बीच, हाईवे के बीचों बीच जो खाली स्पेस होता है उस पर तंबू लगा कर रहना पड़ रहा है। ऐसे तंबू कई किलोमीटर तक सिर्फ लोग तंबू लगा कर रह रहे हैं, वो भी हाईवे के बीचों बीच में। सोचिए कितना यहाँ पे खतरा है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं देवापुर गांव में, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, सारी घड़े डूब चुकी है। ये सभी हमारे टीम मेंबर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा पानी है हमारे, देख सकते हैं यहाँ तक, ये अगल बगल में घर देख सकते हैं पूरा डूब चुका है, पूरा पानी से भर चुका है। और यहाँ के लोग काफ़ी मतलब तकलीफ़ में हैं, और यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुँचाया गया है। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से लोग अपने घर में कैद पड़े हैं, और बाहर से जो लोग मतलब अलग अलग गाँव से लोग कर कुछ लोग राहत पहुंचाते हैं तो इन लोगों को खाने को मिलता है। अगर गवर्नमेंट कोई हेल्प कर भी रही है तो वो इस गांव से 1-2 किलोमीटर दूर है, वहां पे जाके लोगों को खाना पड़ता है। उनको जाने के लिए समझ सकते हैं आप कितना तकलीफ़ उठाना पड़ता होगा, अगर छोटा बच्चा होगा तो वो कैसे जाएगा।
वहाँ भी हैं एक माता जी, पुजारी साहब हैं मंदिर से, हमारे रूपेश भाई बाट बाबा के लगे तो भोजन जल्दी पहुँचत ना हुई। बाबा भोजन पहुँचेला कि ना जल्दी? दोस्तों हम अभी गंडक नदी के बांध पे हैं और यही बांध के टूटने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है। लोगों को मजबूरन इसी बांध पे रहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इससे ऊंचाई वाली जगह नहीं है। सोचिए इन लोगों को कितना खतरा है। ये बांध टूटा हुआ भी है और इसी पे लोग रह भी रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ बांध टूटने के बाद अब यहाँ पे पैकेट गिराया जा रहा है। शायद ये पैकेट पहले गिराया गया होता तो ये बांध नहीं टूटा होता और इतनी क्षति नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बांध टूटने के बाद गिराया जा रहा है। छोटा सा पार्ट है जो गंडक नदी का, जो इधर से आकर और इधर को निकल जाता है और यही निकलता है वो वहाँ पे आगे साइड में, जो कि वहाँ पे ये बांध टूट गया है। दोस्तों यही वो बांध है जो टूट गया है। पूरे यहाँ से वहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी का फ्लो अभी भी हो रहा है और यहाँ के अगल बगल के जो भी पेड़ है वो सारे उखाड़ दिया है। समझ सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। और यही नहीं, इसके बाद एक और बांध है, वो बांध भी टूट गया है। मतलब दो दो बांध एक ही बार टूट गया है। समझ सकते हैं यहाँ के बांध की क्वालिटी क्या होती है, कितने मतलब लापरवाही से यहाँ की सरकार काम कर रही है और इनके लापरवाहियों की सजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना योगदान दिया। उन्हीं लोगों की वजह से हमने 400 लोगों को भोजन और 600 से ज़्यादा पैकेट बिस्किट और 400 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से थैंक यू। दोस्तों अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके साथ आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।